नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपके परिवार के लोग भी सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिलीज भी अच्छे से होगी। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अभी ये जो मुसीबतें चल रही हैं इसमें से अच्छी तरीके से निकल जाएं बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि कई दिनों के बाद में हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं। कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से या फिर थोड़ी सी टाइम की क्राइसिस की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट कोई बात नहीं है, बीच में थोड़ा सा गैप हुआ और हमारा अब नया वीडियो आ गया है। आप देख सकते हैं उसी जोश और उत्साह के साथ, उसी सारी और जो हमारी ईमानदारी है उसके साथ में हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, ये देखिए आप। और सबसे पहले मुझे एक बात और आपसे कहनी है दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर्स प्लीज़ चेंज नहीं करिए, हमारे वीडियोस रेगुलर हैं और आगे भी रहेंगे और बहुत ही अच्छे क्लेज और बाकी आइटम भी ऐड होने वाले हैं। जल्दी ही हम कुछ नई वेराइटीज़ भी ऐड करने वाले हैं जो आप सबको रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, आज मैं ये रेड रोस्टेड ही लेके आई हूँ। बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि नया स्टॉक रेड रोस्टेड का दिखाइए, क्योंकि ये बहुत डिमांड में चल रहा है दोस्तों। इसके 90% जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो इसी के हैं, इसी क्ले के हैं। काफ़ी बढ़िया टेक्सचर है इसका, लाइट रेडिश कलर, रोस्टेड, बहुत ही बढ़िया सूंधी सी स्मेल, स्मोकी और अर्दी। ओके दोस्तों, तो ये है हमारा आज का क्ले। आप देख सकते हैं मीडियम स्मॉल साइजेस में अवेलेबल और प्राइजेस, कोई इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रखी गई है, जो बाकी क्लेस की है वही है। तो दोस्तों, आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो ये है कि आप सब जैसा कि जानते हैं कि हम मुंबई से अपना ये क्ले का सेलिंग करते हैं, तो आप लोगों ने अभी टीवी में भी न्यूज़ देखी होगी या फिर न्यूज़ में भी आप लोगों को पता चला होगा कि महाराष्ट्र मुंबई में आ गए 7-8 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है। बारिश इतनी ज़्यादा है कि ना तो कुरियर सर्विस वाले हम तक पहुंच पा रहे हैं, ना ही हम कुरियर सर्विस वालों के पास तक पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे कुछ ऑर्डर्स अभी होल्ड में थे 4-5 दिनों से, तो उन सब बहनों से, सारी सिस्टर्स से मैं सॉरी भी बोलूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा, हमेशा हमारे पार्सल जल्दी आते हैं बट इस टाइम थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आप लोग उसके लिए कोई गलत भावना मन में ना लाइए कि पार्सल आएगा या नहीं आएगा। ऐसे तो कोई डाउट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, पार्सल आपका ज़रूर आएगा मैम। और जो भी लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि पार्सल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं और आपको भी पता है कि हमारे पार्सल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइम पर पहुँच जाते हैं, तो उसके लिए कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग प्लीज़ 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 भरोसा रखिए, कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आपका पार्सल पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। बस ये है कि 2-3 दिन का बीच में समय बढ़ रहा है। जिन लोगों ने पेमेंट भी किया हुआ है उनके पार्सल हम सबसे पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मुझे और बोलना था कि अभी हम बड़ी मुश्किल से पार्सल भेजते हैं, हमारी पैकिंग वगैरह सारी मटेरियल के साथ में हम जो काफ़ी मेहनत करके एक पार्सल भेजते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ ये किस तरीके से COD में मंगा करके एक मैडम ने पार्सल रिसीव नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर COD में है, ये देखिए। ये देखिए COD अमाउंट, COD में पार्सल है। और ये देखिए, इस पर रिटर्न का लेबल लगाया है, कुरियर सर्विस ने पार्सल रिटर्न का लेबल लगाया है।
जिस पे हमारा नाम लिखा हुआ है, ये हमको वापिस से रिटर्न भेजा गया है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो आप पार्सल मंगाते हैं COD में, उसका हमें कुरियर को एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। इनकेस अगर आपने पार्सल रिसीव नहीं किया तो आपका कोई लॉस नहीं होता है, बट हमारा तो मटेरियल का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो मटेरियल भी आने जाने में डिस्ट्रॉय हो जाता है, और पार्सल इस तरह से रिटर्न आता है तो हमको डबल डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, जो लोग बोलते हैं मैम आप कॉस्टली दे रहे हो, आप ही बताइए 350 का पार्सल, ये 350 रुपीज़ का पार्सल, 400 का पार्सल है, और इसके ऊपर मुझे 400 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लग गए हैं, 200 रुपये भेजने के, 200 रुपये रिटर्न के। अब बताइए मैं क्या करूँ, ये तो मेरा मटेरियल का भी लॉस हुआ, पैसे भी गए, पार्सल रिसीव नहीं हुआ तो उसका अमाउंट मिला नहीं। तो इस तरीके से जो लोग COD के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैश ऑन डिलीवरी अगर आप मंगा रहे हैं तो पार्सल को रिसीव करिए। फिर आप एक्सक्यूज़ नहीं दीजिए कि संडे को आया, सैटरडे को आया, क्योंकि कुरियर हमारे इशारे पर नहीं चलता है, कुरियर अपने टाइमिंग से पार्सल पहुँचाते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करके ही मंगाइए, बेटर यही है, ऑनलाइन पेमेंट करके मंगाइए, वरना तो हमें भी जल्दी COD बंद करनी पड़ेगी, जो हम COD दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे अगर इस तरीके से लोग करेंगे तो। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से नहीं करिए मैम, क्योंकि आप लोग ये समझ सकते हैं कि बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही एफर्ट लगता है, हम नीट एंड क्लीन आइटम आपको इसलिए भेजते हैं ताकि आप हमारे पास से फिर से ऑर्डर करें, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो हम आपका नेक्स्ट ऑर्डर भी नहीं ले पाएंगे। तो इन मोहतरमा को तो हम ब्लॉक कर रहे हैं, अभी इनका कोई भी ऑर्डर हम नहीं लेंगे, और इस तरीके से कई लोगों के जो इस तरीके की हरकतें रही हैं उनके हमने ऑर्डर लेने बंद कर दिए। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कैश ऑन डिलीवरी में मंगाइए नहीं, मंगाइए तो उसको रिसीव करिए, क्योंकि ये सेलर को आप अगर डायरेक्ट लॉस दे रहे हैं बिना किसी गलती के तो ये अच्छी बात नहीं है। आपकी वजह से फिर हम दूसरों को भी COD नहीं दे पाते हैं, अगर आप या कोई भी इस तरीके से करते हैं तो हम दूसरों को भी COD नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं फिर से आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखें, और क्योंकि मुंबई में हम रहते हैं तो कई लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम दूसरे सेलर से तो जल्दी आ जाता है मैम। तो मैं आप लोगों से, मेरे सारे दोस्तों से ये कहना चाहूँगी, जो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे पार्सल बहुत ही जल्दी पहुँचते हैं, लेकिन इस बार अभी बारिश होने की वजह से, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बारिश ज़्यादा है, तो बारिश होने की वजह से हम पार्सल डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, क्योंकि ये एक तो क्ले आइटम है, हमें भी ये सोचना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन में अगर हमने दे दिया या लेके निकले, कहीं भीग गया, कुछ ख़राब हो गया, तो ये आपके पास तक सही से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए प्लीज़ पेशेंस रखिए, सबके ऑर्डर जल्दी से जल्दी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ये देखिए, ये रेड क्ले, रेड रोस्टेड क्ले है, जो हमारा स्पेशल आइटम है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट में है, और अपने ऑर्डर को प्लेस करिए, अभी सारे स्टॉक अवेलेबल हैं, जो भी आइटम आपको चाहिए हम कोशिश कर रहे हैं देने की, और जो नहीं है वो हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों की स्पेशल डिमांड होती है तो उनके लिए वो आइटम हम अरेंज कर देंगे। तो मैम आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, इस बार थोड़ा सा 2-3 दिन का जो ये डिले हो रहा है तो प्लीज़ नाराज़ कोई नहीं होइए, और अपने जो आपका जो अब तक प्यार मिलता आया है उस प्यार को बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पेशेंस रखा, ऑर्डर दिया, और अब हम कल या परसों तक में सारे के सारे पेंडिंग ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे, जैसे ही कल बारिश थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आज भी बहुत हैवी रेन थी। मैंने सोचा था आप लोगों को रिकॉर्ड करके उसका वीडियो भेजूं, बट मिस हो गया, कोई बात नहीं, तो हम आपको कोशिश करेंगे कल से परसों तक सारे पार्सल डिस्पैच कर दें, जिससे कि वो आपको मिल जाए। ओके मैम, और जो हमारे जितने भी बायर हैं
उनसे फिर से मैं एक बार कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ नाराज़गी नहीं रखिएगा, हमेशा हम कोशिश करते हैं जल्दी पहुँचाने की। इस बार बारिश की वजह से, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, 2 से 3 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका पार्सल जल्दी से जल्दी आएगा। ओके, और ये क्ले मंगाइए, यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया है। साथ में हमारे पास इस समय क्ले के सारे आइटम फुल रोस्टेड, हाफ रोस्टेड, नॉन रोस्टेड, बटर रोस्टेड और ड्राई फ्रूट क्ले, भी है जो थोड़े छोटे साइज में बट क्वालिटी अच्छी है। तो प्लीज़ आप लोग अपने ऑर्डर प्लेस करिए। स्लेट आइटम के भी और पॉट के भी स्टॉक अभी अवेलेबल हैं, आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में वाइट चॉक है, वो भी मिल जाएगा। वंश लोचन भी जिन लोगों को चाहिए तो वो भी फ्रेश स्टॉक है। तो प्लीज़ अपने ऑर्डर प्लेस करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।